अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ बरीरा भट्ट और आप देख रहे हैं BNTV। बात करते हैं कुछ रॉन्ग ट्रेंड्स के हवाले से। कंवल शोज़ब जो कि PTI की MNA हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उनकी निजी ज़िंदगी पर एक साहब जिनका नाम रिजवान राज़ी है, उन्होंने एक वीलॉग जारी किया जिसमें उनकी निजी ज़िंदगी और उनके किरदार के हवाले से कुछ बेहुदा बातें गढ़ी गईं। इस हवाले से उन्होंने एक्शन लिया है और ये मामला आला अदालत में ले गई है। आइए आपको उनका एक ट्वीट सुनाते हैं। जो ये वीलॉग किया गया और जो कमेंट्स दिए गए हैं ना ट्विटर पे, वो कोई आम कोई पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर्स नहीं लगे हुए थे, वो आपके रिनोन्ड सहाफी काम ये कर रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब के यहाँ तो मकबूलियत की वजह जो है वो जो भी है, ये मुझे बताएं, ये कमेंट आप अपनी बहन या किसी के लिए बर्दाश्त करेंगे कि जी एंड में रजी दादा और कंवल शोज़ब की लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा कि इनमें सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, फिर शादी और 8 बच्चे? नहीं, फ्लोर नंबर 4 की बात नहीं हो रही, मतलब कि मकबूलियत की जो लेवल है वही है ना जो मुराद सईद की मकबूलियत है। तो मुराद सईद की मकबूलियत किस लिए है वो आपको मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अदालत में मामला जेरे समाअत। क्या दूसरे से पूछना जरूरी नहीं होता कि आप आपके ऊपर जो ये इल्जाम लग रहा है ये सही है या गलत है? इस अदालत से मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये हमारा आपस का जो मामला था जब हमने सेटल कर लिया था, तो इसको आपने पॉलिटिकल बनाया इस वजह से क्योंकि कंप्लेनेंट जो था या जिसका नाम यूज हो रहा था वो एक पार्टी की MLA है। उन्होंने कहा है कि आला अदालत रहनुमाई फरमाए कि MNA की किरदार कुशी, तोहमत बाजी और ख़ानदान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाएं तो कौन से इदारे का दरवाज़ा खटखटाएं? इस पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह रहने के लिए देखते रहिए BNTV।